तो स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अशोक लेलैंड का Q1 का रिजल्ट आया है, एक ज़बरदस्त रिजल्ट अशोक लेलैंड ने पोस्ट किया है। अभी यहाँ पे अशोक लेलैंड के शेयर में देखेंगे तो एक तेज़ी भी यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे अपडेट्स है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे आपके साथ अशोक लेलैंड के स्टॉक को लेकर। तो रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपीवी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। दोस्तों एक दिन के अंदर अशोक लेलैंड के शेयर में लगभग 3.6% के आसपास तेजी बनता हुआ दिखा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 6.9% का तेजी दिया है और एक महीने के अंदर 8.8% का तेजी जो है अशोक लेलैंड के स्टॉक में देखने को मिला है। तो इसका अशोक लेलैंड का ड्यूरेबिलिटी देखते हैं तो 50 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन की बात करते हैं 34 है आउट ऑफ 100। मोमेंटियम 64.80 आउट ऑफ 100। अभी यहाँ पे दोस्तों अशोक लेलैंड के शेयर में जो इसका बोल सकते हैं Q1 का जो रिजल्ट आया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट अशोक लेलैंड ने पोस्ट किया है। इसका फिलहाल अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो टेक्निकली जो है अशोक लेलैंड का शेयर बुलिश लेवल पे चल रहा है। वही बात करते हैं आरएसआई इंडिकेटर कह रहा है कि भाई ये जो शेयर है अशोक लेलैंड का ओवरबॉट लेवल पे, मैकडी इंडिकेटर कह रहा है कि जो शेयर एक बुलिश लेवल बना रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक दिन के अंदर अशोक लेलैंड के शेयर में जो एक लो प्राइस दिया है वो है 174.70 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है 183 रुपीज़ का। वही बात करते एक हफ्ते के अंदर 168.30 पैसे का लो प्राइस दिया, हाई प्राइस दिया 183 रुपीस का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं जो इसका जो एक महीने के अंदर लो प्राइस दिया है वो है 159.70 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है 183 रुपीस का। तो ये स्टॉक जो है अशोक लेलैंड का मतलब यहाँ पे देखते हैं तो BSE NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 11.2 मिलियन का। एंड डिलीवरी परसेंटेज जो है 47.8% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 5.4 मिलियन का। एक हफ्ते के अंदर 12.9 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिला है। डिलीवरी परसेंटेज 46.4% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 6 मिलियन का है। और भाई एक महीने के अंदर 13.6 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज जो है 43.4% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 5.9 मिलियन का है। दोस्तों यहाँ पे अशोक लेलैंड का जो अभी अपडेट है जहाँ पे अशोक लेलैंड का जो है Q1 का रिजल्ट आया है, तो Q1 के रिजल्ट में जो अशोक लेलैंड का जो है पोस्ट किया गया जहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 747% जंप हुआ है जो कि 576 करोड़ का हुआ है। रेवेन्यू की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में जो है 13% जंप देखने को मिला है। बहुत ही एक ज़बरदस्त रिजल्ट जो है अशोक लेलैंड ने पोस्ट किया है। तो अशोक लेलैंड अगर देखते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं कि अशोक लेलैंड की ओर से जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी किया गया है, अशोक लेलैंड को जो है डिफेंस के ओर से भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो चलिए आप समझते हैं अशोक लेलैंड के Q1 को रिजल्ट को लेके क्या कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे अशोक लेलैंड ने अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट किया है। एंड कमर्शियल व्हीकल अशोक लेलैंड द कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर रिपोर्टेड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है वो हुआ है 576.4 करोड़ का फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2024, रजिस्टरिंग ए शार्प जंप ऑफ 747 एज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट 68 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर को अगर देखते हैं इसी क्वार्टर का अशोक लेलैंड का जो बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 68 करोड़ का और ये साल वो प्रॉफिट हुआ है 576.4 करोड़ का, जहाँ पे 747 करोड़ जो है जंप हुआ है इसके प्रॉफिट में अशोक लेलैंड का। करते तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कि अभी जो मतलब बोल सकते हैं जो इसका Q1 का 2024 का रेवेन्यू हुआ है उसमें 13.4% जंप देखने को मिला है जो कि 1189.3 करोड़ का है फ्रॉम 7222.8 करोड़। तो रेवेन्यू में भी लगभग 13.4% के आसपास जो है बोल सकते हैं कि अच्छा खासा जंप देखने को मिला है जो कि ईयर ऑन ईयर में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बोल सकते हैं अच्छा जंप देखने को मिला। ऑपरेशन से देखते हैं परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी ऑल्सो इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। तो ऑपरेशन से जो है अशोक लेलैंड का इसमें भी बोल सकते हैं कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जहाँ पे अर्निंग्स जो है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आप देख सकते हैं जहाँ पे जंप हुआ है 820.8 करोड़ फ्रॉम 320.2 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। तो एक साल पहले इसी क्वार्टर का देखते हैं जहाँ पे ऑपरेशन से जो अर्निंग हुआ था इसका वो हुआ था 320.2 करोड़ का और वो बढ़ के अभी 820.8 करोड़ का हुआ है। EBITDA की बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे EBITDA मार्जिन जो है कि 2024 में बढ़ के हुआ है 560 BPS 10% हुआ है, बढ़ गया है जहाँ पे 404% ईयर ऑन ईयर में था। तो EBITDA में भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड बेसिस में देखते हैं तो अशोक लेलैंड जो यहाँ पे रिकॉर्डेड जो इसका रेवेन्यू हुआ है
देख सकते हैं आप, जहाँ पे रेवेन्यू कंसोलिडेट में हुआ है वो हुआ है 9691.32 करोड़ का, एंड नेट प्रॉफिट जो है 584.49 करोड़ को हुआ है जो कि कंसोलिडेट है। तो इसमें भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है कंसोलिडेट में। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि द सीबी इंडस्ट्री हैज़ बीन एमिंग फॉर प्रॉफिटेबल ग्रोथ सिंस टू एच फाइनेंशियल ईयर 2023 व्हेन द टाटा मोटर स्टैंडर्ड एडवांटेज डिस्काउंट ऑफर। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड का मतलब अगर देखते हैं तो स्टॉक जो है करेंटली जो है 19.5 में जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो पी यू बताया जा रहा है। अशोक लेलैंड हैज नोटेड दैट डिमांड शुड इम्प्रूव फ्रॉम क्यू और टू फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड एस क्यू वन वॉल्यूम परफॉर्मेंस वॉज इम्पैक्टेड ड्यू टू प्री बाइंग 4Q फाइनेंशियल 2023। तो अशोक लेलैंड का मानना है कि इसका जो Q2 का रिजल्ट है उसमें और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अशोक लेलैंड के ओर से जो है यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि इसका डिमांड जो है Q2 में और भी बढ़ सकता है, जहाँ पे स्टॉक में भी तेज़ी बन सकता है। तो ये अशोक लेलैंड के शेयर का जो बोल सकते कि एक फंडामेंटली जो है एक ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी है और आगे चल के अशोक लेलैंड के स्टॉक में जो है अच्छा खासा तेज़ी बन सकता है। फिलहाल यहाँ पे अशोक लेलैंड के शेयर में जैसे कि देखने को मिला है, जहाँ पे इसको जो है ओवरबॉट में लेवल पे मतलब स्टॉक में जो है बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों वही बात करते हैं अशोक लेलैंड के शेयर का मतलब जो बोल सकते कि अभी जो 182 के आसपास चल रहा है, यहाँ से भी स्टॉक तेजी बना सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अशोक लेलैंड का शेयर खरीदते हैं कितने प्राइस में खरीद रहे हैं, कि मतलब अगर इसका देखेंगे तो फिलहाल जो है अशोक लेलैंड के शेयर में इसका Q1 का रिजल्ट भी एक अच्छा खासा आया है। अभी आप ही देख सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब अगर देखेंगे तो Q2 में भी जो है अच्छा खासा रिजल्ट अशोक लेलैंड पोस्ट कर सकता है। और डेप्टर डेज जो है यहाँ पे इंप्रूव हुआ है अशोक लेलैंड का, जो कि 45.9 से जो है यहाँ पे घट के 36.1 डेज हो चुका है। मतलब जो इसका डेप्टर डेज है वो 45.9 डेज से घट के जो है 36.1 डेज किया गया है। एंड कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड हैव रिड्यूस फ्रॉम 82.0 डेज टू 65.2 डेज। अभी आप एक चीज़ देख सकते हैं अशोक लेलैंड का जो शेयर जैसे कि अभी 182 के आसपास चल रहा है, तो जो इसका बुक वैल्यू है अशोक लेलैंड का उससे 6.22 चल रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है अगर आप शेयर खरीदते, हो सकता है कि अभी जो है स्टॉक में जो इसका Q1 का रिजल्ट आया उसमें थोड़ा तेज़ी बने, तो आपको ये ध्यान रखना है आप कितने में शेयर ये खरीद रहे हैं अशोक लेलैंड का। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ 5.25% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो फिलहाल अशोक लेलैंड के शेयर का जो बुक वैल्यू है जो अभी चल रहा है जो कि 6.22 में जो है इसका शेयर अभी चल रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के स्टॉक में थोड़ा गिरावट बने, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है अगर आप अशोक लेलैंड का शेयर खरीदते हैं। तो डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको जो है अशोक लेलैंड का शेयर या फिर कोई भी शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पी नॉइज का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।